के हिसाब से तो जुड़वा बेबी होगा। मम्मा तो काम करो ना, ये ड्रेस आप एक बार सिवाई के ऊपर पहना कर दिखाओ ना मेरे को, कैसा लग रहा है। ये बोलता है मेरी बहन ही पहनेगी। अभी गाइस यार, मैं आवारी मैम के लिए एक सरप्राइज ऐसा गिफ्ट परचेज करने वाला हूँ ना, आवारी मैम उसको देखेगी ना तो गारंटेड रो ही देगी भाई। पिछले एक दो मंथ से गाइस यार आप लोग जो है गुड न्यूज वाले व्लॉग का वेट कर रहे थे ना, फाइनली गाइस वो व्लॉग आ ही चुका है। भाई इतना ज्यादा कौन स्पैम करता है हमारे लाइव स्ट्रीम पर, वीडियो के कमेंट पर, और हद तो गाइस तब होगी जब हम आपसे रियल लाइफ में मिल रहे हैं और आप हमें एक ही बात कह रहे हो, सेकंड बेबी कब आएगा, सेकंड बेबी कब आएगा, सेकंड बेबी कब आएगा। चलो फाइनली बता ही देते हैं यार आप लोग को सेकंड बेबी कब आने वाला है हम लोग का। लेकिन उससे पहले गाइस एक और बात जान लेते हैं अपन, वैसे डिमांड तो नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं हमारी मैम से कि तेरे को क्या चाहिए, छोटा आवारा और छोटी आवारी। देख छोटा आवारा तो पहले से है मेरे पास, तो ऑब्वियसली इस बार मेरे को छोटी आवारी ही चाहिए। डिमांड तो ऐसे करती है कि आपके हाथ में ही है बेटा बेटी, मेरे को बेटी चाहिए, मेरे को बेटी चाहिए, कोई जरूरी है क्या बेटी होगी। वैसे मेरा तो कोई डिमांड नहीं है गाइस यार, बेटा हो या बेटी बस जो भी हो एकदम अच्छे से हो जाए। गाइस कितना बड़ा झूठा है ना ये लड़का, ये आप लोग के सामने बोल रहा है कि जो भी हो अच्छे से हो जाए, लेकिन हर मंदिर में ना जाकर के एक ही मन्नत मांगता है कि मेरे को बेटी ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है गाइस यार, मेरी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, बस मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो हो अच्छे से हो और जो इसको चाहिए बस वो दे दो, सिवाय इन दोनों में से एक सेलेक्ट करो। नहीं, इन दो में से एक सेलेक्ट करो। अरे दोनों नहीं लेना गाइस, जिसने तो दोनों पर्ची सेलेक्ट कर ली यार, इसके हिसाब से तो जुड़वा बेबी होगा। मम्मी इनमें से एक आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी, आप भी एक सेलेक्ट कर लो, पापा तुम तीनों भी एक ही उठा लो इसमें से। गाइस भाई लग हम लोग फन के लिए ट्राई करते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, इन सारी पर्ची में ना बेबी बॉय और गर्ल लिखा हुआ है, देखते किसने कौन सी सेलेक्ट करी है। चलो देखते किसने क्या सेलेक्ट करा है, अपना अपना पर्ची ऑन करो, देखते किसको क्या चाहिए। तेरे को क्या गर्ल, अपने तेरे को बॉय, इसको गर्ल चाहिए था, बॉय सेलेक्ट करा इसने, तूने बॉय, पापा ने गर्ल और मम्मी ने बॉय, मतलब तीन बॉय दो गर्ल। तो शिवा का तो नहीं गया, शिवा को तो दोनों चाहिए ना। तो गाइस बहुत ज्यादा हो गया मस्ती मजाक, अब मस्ती मजाक को रखते हैं साइड में, एंड आप लोग जब वेट कर रहे हो ना कि कब होगा आवारी मैम का सेकंड बेबी, तो उसका डेट मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक्चुअली डॉक्टर का एस्टिमेट डेट दिया हुआ है हमारा 16 मार्च, जो कि बहुत ही ज्यादा नजदीक है, अभी से बस 15 दिन। बट मेरा सिचुएशन अभी मुझे देख कर लग रहा है कि मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली, ऑनली मेरे को लग रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर तो हो ही जाना है। एंड ऐसा मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि सिवाय जब हुआ था ना तो उसका एस्टिमेट डेट था 30 अगस्त, और सिवाय हो गया था 10 रोज पहले ही 20 अगस्त को ही, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि शायद इस बार जल्दी हो जाए। बाकी गाइस यार आप लोगों को जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो आवारी मैम अपने व्लॉगिंग चैनल पे डालती रहती है डेली आवारी व्लॉग्स पे, तो वहां से आप लोगों को पता लगता रहेगा। अभी गाइस यार मैं आवारी मैम के लिए एक सरप्राइज ऐसा गिफ्ट परचेज करने वाला हूं ना, आवारी मैम उसको देखेगी ना तो गारंटेड रो ही देगी भाई। ओके गाइस यार, अभी मैं और मम्मी जो है ना आवारी मैम के लिए एक बहुत ज्यादा मस्त सरप्राइज जो है परचेज करके लेके आने वाले हैं। गाइस मैंने और मम्मी ने ना दोनों ने ये पसंद किया है वो सरप्राइज उसके लिए, सच्चे बता रहा हूँ इतनी प्यारी ड्रेस है ना गाइस, आप लोगों को भी देखने से लग रहा होगा कितनी प्यारी है ना, तो सच्चे बता रहा हूँ अगर अवनी ने ये देखा ना रो ही देगी भाई, वो तो उसके इमोशंस आप लोग देखना, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि उसको लड़के कितनी ज्यादा डिमांड है उसके लड़के की है ना। अभी तो मुझे भी नहीं पता लड़का होगा कि लड़के, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ड्रेस तो मैं पहले ही ले रहा हूँ यार, लड़का हुआ तो कोई बात नहीं है, किसी एक ऐसे बंदे को दे देंगे यार कि जिनके लड़की हुई है उनको बोल देंगे यार हम लोग की तरफ से पहना लेना, क्योंकि हम लोग के तो लड़के का शौक पूरा नहीं हो सकता है, बट कोई बात नहीं यार गाइस लेना है बस मुझे भी, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि एक ड्रेस तो मैं लेके जाऊँ उसके लिए, बट कंफ्यूजन ये है ना गाइस इन दोनों में से कौन सी एक सेलेक्ट करनी है। मम्मी आप बताओ कौन सी ये लेनी है, पिंक वाली। मम्मी को पिंक पसंद आई, चलो एक काम कर रहे पिंक ही ले लेते हैं, लड़की के लिए थोड़ा कलर मतलब मस्त लगेगा है ना, तो एक पिंक कलर ये ले लेते हैं। एंड ना एक दो चीजें हम लोगों ने और ली है उसके लिए, एक टॉवल लिया है क्योंकि जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी होगा ना तो टॉवल, एक तो टॉवल चाहिए एटलीस्ट, वैसे सिवाय का भी पड़े हैं थोड़े बहुत तो दिक्कत नहीं होगी, कपड़े वपड़े तो पड़े हैं, और फिर भी हम लोगों ने थोड़े थोड़े ना अभी ड्रेसेस ले लिया उसके लिए छोटी छोटी, क्योंकि जैसे ही बच्चा होगा ना तो उसको चाहिए ना, तो एक बार पता नहीं है गाइस, देखो कल ही अपने बोल दे कि भाई पेन स्टार्ट हो गया तो डिलीवरी के लिए जा सकती है, परसों बोल दे, तो हम लोग के पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक बार हम उसे पहना सके, तो एक बार हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी नहीं रही ना तो दिक्कत हो जाएगी, कल को ही अगर डिलीवरी हुई तो फिर हम लोग के पास कुछ भी कपड़े नहीं होंगे इतने छोटे छोटे पहनाने के लिए, तो एक बार हम लोग सब ले ले रहे हैं। एक हमने ये भी ले ली, जस्ट मैंने ऐसे लिया, अभी तो वो शायद यूज होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट इसके साथ की मैंने ले ली। चलो अभी फटाफट से ना इन सबको पैक करवाते हैं एंड अवनी के लिए लेके चलते हैं घर पे, एक बार उसको दिखाएंगे ना तो आप खुद उसके इमोशंस देखना, आपको खुद ही फील हो जाएगा। घर आ चुके गाइस एंड अवारी हमको उसका गिफ्ट भी देते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होने वाला है। अवनी मैं और मम्मी तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए, देख तो सही एक बार खोल के, देख तो सही खोल के, तेरे हाथ में तो है लड़की का ड्रेस।
अरे यार देख, मेरे को नहीं पता लड़की आएगी या लड़का, लेकिन मैं एज ए फादर तो लड़की की ड्रेस अभी खरीद सकता था ना। मान ले अगर डिलीवरी होगी और लड़का हुआ तो फिर तो मैं कभी लड़की की ड्रेस एज ए फादर तो खरीद नहीं सकता था, तो सोचा पहले ही खरीद लेता हूँ, पता नहीं फिर कभी मौका मिले या नहीं मिले लड़की नहीं हुई तो। तू क्या चाहता था कि तू अकेले ही शॉपिंग कर, मैं भी तो चाहती थी ना कि बेबी गर्ल का शॉपिंग करूं, तो मेरे को भी लेकर जाना था। कोई ना, मेरा दिल जा रहा था तो इसलिए मैं करके आ गया, तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आ गया। मतलब मेरे से ज्यादा गिफ्ट तेरे को है गर्ल का, मेरे को भी है यार। मम्मा बेबी गर्ल होने से पहले ही बेबी गर्ल की ड्रेस लेकर आ गए। तो फिर कोई बात नहीं, मन न ले आया तो कह दो। अबे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, अब तू क्या चाहती, बेबी गर्ल का ड्रेस भी नहीं आई, 25 साल में बेबी गर्ल तो कोई आई नहीं है, अब आज अगर ड्रेस आया तो कल बेबी गर्ल भी आ जाएगी ना। मम्मा तो काम करो ना, ये ड्रेस आप एक बार सिवाई के ऊपर पहना कर दिखाओ ना, मेरे को कैसा लग रहा है। सिवाई ना पहना दूँ? हाँ एक बार पहना कर दिखाओ। मेरी तो लड़की ड्रेस खराब हो जाए सिवाई ना पहनाने से। एक बार पहना कर तो दिखाओ कैसा लग रहा है, लड़की का तो पता नहीं आएगी या नहीं, इसको एक बार पहना कर दिखाओ इस बंदर को। चलो तो ठीक है, कोई बात, ऊपर से लगा कर दिखाओ मेरे को, ऊपर से। हाँ ऊपर से दिखा दूंगी। आओ बेबी, ले ले बेबी, ले ड्रेस पहनाओ। सिवाय सिवाय लड़की का ड्रेस पहनना है? सिवाय इसको पसंद नहीं है लड़की, ये बोलता है मेरी बहन ही पहनेगी। तो गाइस हम लोग को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि छोटी आवारी आने वाली है, छोटी आवारा, होप सो बस छोटी आवारी आ जाए, तो मेरी तो सारी खुशी तो डबल दुगनी चौगनी पता नहीं क्या हो जानी है। एंड आप लोग को भी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा ना कि सच्ची में छोटी आवारी आएगी या छोटा आवारा। देखो गाइस यार, हम लोग को नहीं पता लड़का हो या लड़की, ठीक है, बस आप लोग से इतना सा कह देता हूँ, कमेंट में सब लोग प्रेयर लिख दो कि आवारी में हमको लड़की होगी, दिल से अच्छा लगेगा, सच्ची बता रहा हूँ। सबके सब कमेंट कर दो, अगर 10,000 कमेंट आ गए ना तो पता नहीं कितना सुकून मिलने वाला है कि कितने सारे लोग हम लोग के लिए प्रेयर किए। और सच्ची में गाइस अगर लड़की होगी ना, सच्ची में मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाएगा यार, क्योंकि देखो मेरी बहन नहीं है, मम्मी आज तक मिस करते कि मेरी भी काश एक बेटी होती, बट खैर अभी तो दो दो बेटियां मम्मी के पास आ चुके, एक ये और एक अर्सी। बट गाइस यार बस हम लोग चाहते हैं कि एक बेटी हम लोग के घर में हो जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग के घर में कोई भी बेटी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम बेटी होगी अगर होगी तो यार, तो बस आप लोग प्रेयर कर दो हम लोग के लिए। ये ब्लॉग का लाइक एम गाइस हम लोग 1,00,000 रख रहे हैं, तो प्लीज लाइक एम भी कंप्लीट कर देना। एंड जो अनाउंसमेंट थी वो मैंने दे दी है टाइम से पहले ही, मुझे लगा कि गाइस पता नहीं है कल या परसों कभी भी डिलीवरी के लिए बोल सकती है अभी, क्योंकि टाइम पूरा एकदम क्लोज आ चुका है, तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। एंड वैसे 7 डेज मैं मान रहा हूँ मैक्स टू मैक्स शायद हो जाएगी बेबी की डिलीवरी। वैसे तो गाइस यार कुछ भी हो बस अच्छे से हो जाए, एंड जो भी होगा आप लोग को जो है अपडेट उसके बाद की जो है वो आवारी ब्लॉग्स पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स दोनों में पिन करके रखा है, यहाँ पे आपको चैनल भी दिख रहा है, जाओ यार फटाफट से जो है आवारी ब्लॉग्स को जाके भी सब्सक्राइब करो ताकि आप अपडेटेड रहो हम लोगों से। एंड अभी हम लोग चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस।